वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसके बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनकी जितनी भी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और उसके अंदर बहुत सारी देखिए नेमी रिएक्शंस भी हमारे पास आएंगी तो उनको हम स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा जानी मानी रिएक्शन है या एक तरह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है उसके बारे में, तो वो है देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर देखिए क्या है हमारे पास कार्बनिक कंपाउंड है उनके साथ न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल जब कार्बनिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है तो देखिए वहां पे ये स्लो स्टेप के अंदर यहाँ पे टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है। वहां पे देखिए टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट और उसके बाद देखिए यहाँ पे एच प्लस आयन के साथ जब यहाँ पे ये फास्ट रिएक्शन होती है तो हमें यहाँ पे अडक्ट किया फिर हमारा कंपाउंड जो होता है वो मिल जाता है कार्बन कंपाउंड के साथ ही आपको एल्कोहल मिलता है या कार्बोक्सिलिक एसिड या और बहुत सारे ऐसे एडिशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आके बन जाता है और जो ये ऑक्सीजन है इसका क्या बन जाता है OH ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन है इसका एक जनरल सा ये मैकेनिज्म या फिर इसको कह सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो किस एक पाथ से होकर जाती है किस एक रूट से होकर जाती है। तो वो रूट दिया हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अटैक करेगा इसका ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा उसके ऊपर वहां पे देखिए चार्ज आ जाएगा फिर दोबारा जब रिएक्शन होगी एच प्लस की तरह के अंदर फिर इस तरह से हमें अडेप्ट या फिर हमारा कंपाउंड मिल जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो रिएक्शन है वो देखते हैं हम एडिशन ऑफ HCl की एडिशन करेंगे किसका HCl का कार्बोनिक कंपाउंड के अंदर। तो देखिए जब हम HCl का एडिशन करते हैं कार्बोनिक कंपाउंड के अंदर तो यहाँ पे हमें बीच में जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है साइनोहाइड्रिन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए वही पहले जनरल रिएक्शन देखेंगे इस तरह से प्लस HCl तो यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा H CN और यहाँ पे ये जो O है ये H में चेंज जाएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते कुछ भी यहाँ पे R आ जाएगा हमारे पास तो वो R आके ऐड हो जाएगा और इस तरह से ये साइनोहाइड्रिन हमारे पास देखिए बन गया। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल लेके देखते हैं इस रिएक्शन का। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों की रिएक्शन साथ साथ में देखेंगे तो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखो इस तरह से हम बार बार कार्बनिक कंपाउंड ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर देखिए यहाँ पे अगर तो आता है एक आर और एक एच तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा आर सी एच ओ और अगर दोनों ही आर ग्रुप हो जाते हैं तो वो रिएक्शन किसके लिए हो जाएगी कीटोन ग्रुप के लिए हो जाएगी। तो देखिए रिएक्शन हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल लेते हैं एल्डिहाइड का और यहाँ पे देखिए हम लेते हैं सी एच थ्री सी एच ओ सी एच थ्री सी एच और एक आर है और एक एच है अब प्लस एच सी एन अब इस तरह से देखो यहाँ पे सी एच थ्री एच सी एन और ये ओ एच। ठीक है, अब इसका हम क्या करवाएंगे देखिए फर्दर एच थ्री ओ प्लस की प्रेजेंस के अंदर इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे ये एच आयन देगा तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा सी एच थ्री सी एच सी ओ एच और ये यहाँ पे ओ एच। इस तरह से देखिए हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा ये कंपाउंड क्या है लैक्टिक एसिड है हमारे पास ये जो हमारे पास एडक्ट आया ये क्या है देखिए लैक्टिक एसिड। देखिए रिएक्शन की एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रिन एडिशन ऑफ एचसीएन इसके अंदर देखिए हमने कार्बनिक कंपाउंड के साथ एचसीएन लिया तो यहाँ पे हमें साइनोहाइड्रिन मिला
अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, एस्टराइडिहाइड लिया है, एस्टराइडिहाइड की रिएक्शन करवाई है HCl के साथ, यहाँ पे एस्टराइडिहाइड साइन हाइड्रोजन मिला, उसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो हमें हमारा कंपाउंड या प्रोडक्ट मिल गया, हो गया था लैक्टिक एसिड। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे अगर हम आर कर दें तो ये आर ले लें यानी तो CH3 ही ले लें, तो ये यहाँ पे देखिए क्या हो गया, सीटोन हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर देखिए ये रिएक्शन किस तरह से हो रही होती, तो यहाँ पे ये वाला जो था ये CH3 होता, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हमारे पास देखिए जो कंपाउंड बनता वो जो कीटोन्स के अंदर उसको वहां पे वो डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी देखिए एडिशन ऑफ HCl। अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्साइड। देखिए पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था,
हाइड्रोक्सिल अमीन दिया, हाइड्रोक्सिल अमीन दिया था, यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन दिया, सॉरी फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिया सिंपली, तो वहां पे ऑक्साइड और हाइड्रोजन आया। अब इसी तरह से रिएक्शन देखो, यहाँ पे थर्ड रिएक्शन हम लेते हैं C6H5NH.NH2। अभी हमारे पास देखिए फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन भी देखिए इस तरह से होगी यहाँ पे, तो ये जुड़ेगा देखिए इस तरह से N.NH C6H5। फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे जब, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें फिनाइल हाइड्रोजन मिल जाएगा। फिनाइल हाइड्रोजन ऐड करवाया तो फिनाइल हाइड्रोजन मिल गया, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये तीन रिएक्शन थी, इसी तरह से दो रिएक्शन और है इसके अंदर, रिएक्शन करवा दें अगर इसकी सेमी कार्बोजोन कर दो। सेमी कार्बोजोन देखिए हमारे पास होता है NH2 NH3 NH2। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन इस तरह से NH2 NH CO NH2। अगर इसकी रिएक्शन करवा दें हम, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंपाउंड क्या आएगा, वही NH.NCONH2 और यहाँ पे ये R और ये R। अब यहाँ पे सेमी कार्बन जोन लिया था तो हमारे पास कंपाउंड क्या आएगा, देख सेमी कार्बन अजाइड लिया था, सॉरी सेमी कार्बन अजाइड लिया था, तो सेमी कार्बन जोन हमारे पास बन जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इस तरह से और रिएक्शन देखिए इसलिए, अब हम यहाँ पे मान लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड या जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन है वो किस तरह का ले ले, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले ले, तो उस कंडीशन के अंदर रिएक्शन कैसे होगी देखो। अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन ले लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर रिएक्शन कैसे होगी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन लेते हैं, देखिए 2-pe-nitro और 4-pe-nitro 2,4-dinitrophenyl NH.NH2, ठीक है। इस तरह से अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड कीटोन ही लेंगे, उसके साथ लेंगे हम 2,4, इसको बोलते हैं 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन, 2,4-DNP बोलते हैं शॉर्ट में। इसकी रिएक्शन करवाएंगे जब हम एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो यहाँ पे देखिए हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरह से NH.N यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे और सी आर, इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। देखिए 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजन, यहाँ पे 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजन था और वहां पे हमें क्या मिल गया, 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि हम ब्राइट अमोनिया से रिएक्शंस करवाए, जिसमें हाइड्रोक्सिल अमीन से हमने रिएक्शन करवाई, उसके बाद हमने रिएक्शन करवाई हाइड्राजीन से, फिर फिनाइल हाइड्राजीन से, उसके बाद हमने लिया सेमी कार्बोजाइड और फिर हमने लिया यहाँ पे देखिए ये 2,4-DNP 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन। तो यहाँ पे अलग अलग एडिशन प्रोडक्ट्स हमें मिले इसके अंदर रिएक्शन के अंदर, सब में हमने देखिए कीटोन लिया यहाँ पे और इस तरह से एल्डिहाइड भी ले सकते थे, अगर यहाँ पे हम CR की जगह एच कर देते तो ये रिएक्शन किसकी हो जाती, एल्डिहाइड्स की हो जाती, तो वहां पे आर की जगह एक एच आ जाता। तो इस तरह से जो देखिए ये रिएक्शंस थी, जितनी भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर सारों में देखिए माइनस H2 रिमूव होता है, H2 निकल जाता है, कहीं में सिर्फ H2 माइनस होता है, और ये जितनी भी एडिशनल रिएक्शंस हैं ये सारी अमोनिया के जो आगे प्रोडक्ट्स बनते हैं उनसे मिलके बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए रिएक्शन है वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए जिसके अंदर हम दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स सेम या तो एल्डिहाइड के या कीटोन्स के लेके और उसमें से H2 को रिमूव कर दें, वाटर को रिमूव करके एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को देखिए क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। मान लीजिए दो एल्डिहाइड्स लिए हमने और उसके अंदर दो एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई हमने किसी रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर और फिर उससे हमें कोई बड़ा कोई प्रोडक्ट मिला, तो उस ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन
रिएक्शन है। और इसके अंदर देखिए फर्स्ट हमारी रिएक्शन है जो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, आपने पढ़ी भी है पहले, वो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए नेक्स्ट, अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या है कि यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए एल्डिहाइड के अंदर। अब एल्डोल है तो एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड का एल्ड प्लस एल्कोहल का ओल। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो एल्डोल प्रोडक्ट आता है, और उसका जब फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो वहां पे हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर देखिए यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होने बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, वो लेते हैं हम इथेनॉल दैट इज एस्टर एल्डिहाइड। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर देखिए अब यहाँ पे हमें CH3 plus CH3 CHO, ठीक है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए एक को हमने इस तरह से खोल के इसलिए रखा है कि यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी रिएक्शन देखिए हम करवाएंगे एक्वस Na2CO3 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगी इसकी एक्वस Na2CO3 की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। तो ये रिएक्शन में हमने दो मॉलिक्यूल लेने हैं किसके, एसिटोएल्डिहाइड के। अब यहाँ पे देखो जब एसिटोएल्डिहाइड लिया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अब एल्डोल बनेगा, और एल्डोल बनने के लिए क्या है, इसका एक हाइड्रोजन है देखिए इसको इस तरह से लिख सकती हूँ मैं CH2 और इधर से ये एच। अब ये वाला एच देखिए क्या होगा, इसके पास आके एड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड क्या आएगा, CH2 CH OH CH2 CHO। तो देखिए जो हमारे पास कंपाउंड आया ये क्या आया, हमारे पास एल्डोल आया, मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसको जब हम हीट कर देंगे, देखिए जब इसको हम हीट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH O। इसको क्या बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड, या फिर इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, दो मॉलिक्यूल्स दिए एस्टर एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवाई डाइलून NaOH के साथ एक्वस Na2CO3 की प्रेजेंस के अंदर, या फिर इसमें पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते थे। तो इसकी रिएक्शन में जो हमने रिएक्शन करवाई तो हमें पहले क्या मिला, देखिए एल्डोल मिला, एल्डोल का मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है। एल्डोल मिला और एल्डोल को जब हमने यहाँ पे गर्म किया तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिला, दैट इज क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन की लेती है सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम प्रोपेनॉल ले लेते तो यहाँ पे देखिए प्रोपेनॉल लेते फिर वैसे ही हमें एल्डोल मिलता और हमें जो प्रोडक्ट मिलता वो मिलता 2-methyl pent 2-ene 1, और उस तरह से उसकी नंबरिंग कर लेते तो दोबारा से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमें मिल जाते हैं। हमें देखिए H2 रिमूव हो गया और एल्डिहाइड ग्रुप है वो इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सैचुरेटेड एल्डिहाइड लिया और उससे हमें क्या मिल गया, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे संतृप्त हमने एल्डिहाइड लिए थे उससे हमें असंतृप्त एल्डिहाइड मिल रहे हैं। तो ये तो था देखिए एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके बाद देखिए हम मैकेनिज्म देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन का। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर देखिए इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है कि यहाँ पे बेस ले रहे हैं, जो भी हम उस बेस की तरफ से सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्बन आयन बनता है। तो हम एग्जांपल किसका लेंगे, एस्टर एल्डिहाइड का लेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ
CH2 CH2 प्लस में हमने यहाँ पे मान लीजिए कोई बेस लिया है, कोई बेस लिया, ठीक है। अब उसकी देखिए यहाँ पे कार्बन आयन किस तरह से बन रही है, जो H है ये बेस लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए CH2 CHO प्लस BH ये आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, एक मॉलिक्यूल लिया एस्ट्राइड रिएक्ट किया और ये क्या हुआ, वो हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या आ गया, कार्बन आयन आ गया इसका एल्डिहाइड का। नेक्स्ट करके तो देखिए कि जो कार्बन आयन है वो रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो सेकंड स्टेप के अंदर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन आयन विद एल्डिहाइड, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहां पे CH2 CHO प्लस यहां पे आएगा CH3 CHO, दूसरा जो एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, अब यहाँ पे ये देखिए किसके साथ, तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज आ जाएगा जब एच रिमूव होगा इसके ऊपर कार्बन आयन के ऊपर। तो देखिए इस तरह से जब यहाँ पे अभी देखिए इसके ऊपर आके रिएक्ट करेगा, रिएक्ट किस तरह से करेगा, देखिए यहाँ पे अभी CH3 CO- CH2 CHO। अब क्या होगा देखिए, जो ये वाला है ये ग्रुप आके इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, जिसका ये वाला जो बॉन्ड था देखिए वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ये CH, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए दोबारा यहाँ पे क्या होगा, जो थर्ड स्टेप है हमारा इस रिएक्शन में, देखिए जो मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप है यहाँ पे देखो स्टेप 3। अब स्टेप 3 के अंदर देखिए यहाँ पे जब हम बेस ऐड कर देंगे दोबारा से, यहाँ पे बेस ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस करवाने के ऊपर CH3 CH OH CH2 CHO, इस तरह से देखिए हमारे पास एल्डोल बन जाएगा हमारा और साथ में बेस जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने BH जो हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए H ऐड हो जाएगा और साथ में बेस निकल जाएगा और इस तरह से हमारे पास एल्डोल बन जाएगा। एल्डोल का जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो उसके अंदर हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर प्रोटॉन एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन जो मैकेनिज्म है देखिए वो इतना ही है कि सबसे पहले क्या होता है, देखिए जो एल्डिहाइड है उसका जो एक मॉलिक्यूल है उसमें से बेस को जब उसके ऊपर रिएक्ट करता है तो उसमें कार्बन आयन बनता है, फिर कार्बन आयन दूसरे मॉलिक्यूल एस्टाल्डिहाइड दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करके यहाँ पे देखिए ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, फिर दोबारा बेस रिएक्ट करता है और वहां पे एल्डोल बन जाता है। तो ये एल्डोल जो कंडेंसेशन है उसको हम कैंसर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में जरूर पूछते हैं, इसको आप अच्छे से कर लेना। बाकी की जो रिएक्शन है आगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और इसी तरह से देखिए कीटोन्स के लिए जो है उसके अंदर भी ऐसे कंडेंसेशन होता है कि दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं कीटोन के और उसके अंदर इस तरह से कंडेंसेशन होकर हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन जो ये रिएक्शन है ये पर्टिकुलरली एल्डिहाइड्स के लिए है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है।